स्मार्ट न्यूज। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं। चुनावों से ठीक पहले पुलिस की शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बिलासपुर के थाना कोर्ट पुलिस ने शराब माफिया पर सिकंजा कसा। नो ड्रम लाहन कच्ची शराब के पकड़े गए, जबकि मौके पर ही 1500 बोतल शराब की नष्ट की गई है। शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत जल्दी हमारे पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं और MC की नॉमिनेशन प्रक्रिया भी चल रही है इस वक्त, तो इसी संदर्भ में क्योंकि अवैध शराब की और दूसरे नशीले पदार्थों की बिक्री और सप्लाई थोड़ी बढ़ जाती है, इसी की एक सूचना मिली थी और उसी सूचना पर मैं स्वयं और साथ में थाना प्रभारी कोट पहलू और उनकी टीम ने मजारी गांव में कल शाम को रेड की थी, जिसमें 9 ड्रम लाहन के बरामद किए थे, जो लगभग 1800 लीटर लाहन बरामद की गई थी और 3 भट्टियाँ चलती हालत में पकड़ी थी। लेकिन जो उनका काम करने वाले थे वो भाग चुके थे, उनको शायद पूर्व में भनक लग गई थी और भाग निकले थे और उनकी भी जांच की जा रही थी किसकी वो भट्टियाँ थी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल उस लाहन को नष्ट कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई इस तरह की जारी रहेगी।